दोस्तों, फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि बाल कलाकार के तौर पर बहुत सारे बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है, लेकिन उनमें से कुछ आगे जाकर कामयाब हुए हैं और कुछ नहीं। आज हम ऐसे ही एक चाइल्ड एक्टर की बात करने वाले हैं, जिसने 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में उसने एक्टिंग को छोड़ दिया। अपनी छोटी सी उम्र में उसने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता बटोरी, साथ ही अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दर्शकों के बीच मास्टर मंजुनाथ के नाम से जाने जाने वाले मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट और अभिनेता मंजुनाथ नायकर के बारे में। साउथ इंडिया में इस एक्टर के बारे में शायद ही अब कोई जानता होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द ही अभिनय को छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई को पूरा करने में लग गए थे। लेकिन उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 दिसंबर साल 1976 को कर्नाटक राज्य के राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई बेंगलुरु से की, हालांकि उनके स्कूल की जानकारी नहीं है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए मैसूर विश्वविद्यालय से इंग्लिश में बीए और बेंगलुरु विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक शास्त्र में एमए किया और सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा भी किया। साथ ही उन्होंने सीए फाउंडेशन कोर्स भी किया। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि कहा जाता है कि उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें कन्नड़ फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने अभिनय की शुरुआत साल 1982 में कर दी थी और साल 1982 में उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अजीत, मुक्तिगंधा आतिके और टोनी। अजीत नाम से फिल्म में वो गोविंदा की भूमिका में नजर आए और वो उनकी पहली फिल्म थी। मुक्तिगंधा आतिके उनकी दूसरी फिल्म थी और टोनी में वो दामोदर की भूमिका में नजर आए, जो उनकी तीसरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद 1983 में वो जग्गू, होसा थिरपू, बैंकर मरगैया, नोदी स्वामी, नविरोंदु हिगे जैसी कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। उन्होंने ज्यादातर कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। नोदी स्वामी नविरोंदु हिगे फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। उस फिल्म के अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग थे। उनके साथ उन्होंने और भी कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साल 1984 में वो पहली बार किसी हिंदी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। उस फिल्म का नाम था उत्सव। उनको एक बाल कलाकार के रूप में दर्शकों ने काफी पसंद किया। उसी साल 1884 में आई कन्नड़ फिल्म कलयुग में वो मांझा के किरदार को निभाते हुए दिखाई दिए। उत्सव और कलयुग को लेकर साल 1984 में उन्होंने कुल 11 फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद वो साल 1985 में आई फिल्म गुंडा गुरु में लक्को के किरदार में नजर आए। उसके साथ उन्होंने 3 और फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे कुरिडोडी कुरुक्षेत्र और परममेशी प्रेम प्रसंग। साल 1987 से पहले वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सिर्फ कन्नड़ फिल्मों में देखने वालों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे, लेकिन साल 1987 में मालगुड़ी डेज में अभिनय करने के बाद वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उसमें उन्होंने स्वामी की भूमिका निभाई थी। दरअसल मालगुड़ी डेज आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित एक हिंदी टीवी धारावाहिक है, जो साउथ इंडिया में बनने वाला पहला हिंदी धारावाहिक था। साथ ही साथ उसे अंग्रेजी भाषा में भी डब किया गया था। उस टीवी धारावाहिक के निर्माता शंकर नाग थे, जो खुद एक एक्टर भी थे। उस टीवी सीरीज को साल 1985 और 86 में उनके स्कूल की छुट्टी के दौरान शूट किया गया था। उन्होंने अपनी आवाज और आकर्षण मुस्कान से दुनिया भर के धारावाहिक देखने वालों और फिल्म देखने वालों की यादों में खुद को उकेरा। उन्होंने दर्शकों के बीच बहुत वाहवाही लूटी। उसके बाद उन्होंने कुछ और हिट कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हुली हे बुली, पूर्णा चंदा, ई बंद अनुबंध, नव भारत, सांगलियाना, वर्ण चक्र, अंजदा गंडू, सहसा वीरा, तेजा गुरु, नरसिंह। साल 1990 में आई बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ में उन्होंने अभिनय किया। उस फिल्म में उन्होंने युवा विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका निभाई।
मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में शानदार अभिनय किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी रही, लोगों द्वारा उस फिल्म को काफी पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने साल 1991 में दो और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे द स्टोन बॉय और बेनाम बादशाह। साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा में भी वो नजर आए, जिसमें उन्होंने बापू की भूमिका निभाई। दोस्तों, आपने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता ममूटी को तो जानते ही होंगे। साल 1992 में आई तेलुगु फिल्म स्वाति किरणम में मंजुनाथ ने उनके साथ अभिनय किया। उनमें वो ममूटी के साथ सह कलाकार की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म को अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई। ये उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मालगुड़ी रेस की शूटिंग के दौरान मुझे आर के नारायण से बस एक दो बार मिलने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ज्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि हम बिजी शूटिंग शेड्यूल के बीच में थे। मुझे बस उनसे मिलवाया गया था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अच्छा कर रहे हो। हालांकि मैं एक बात कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने मुझसे कही थी। मालगुड़ी डेज पर आधारित फिल्म और धारावाहिक के हिट होने के बाद वुडलैंड्स होटल में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसमें श्री आर के नारायण भी थे। वो मेरे पास आए और बोले, मंजू, आपने ठीक वैसा ही अभिनय किया जैसा मैंने स्वामी की कल्पना की थी। और ये बयान मेरे लिए उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से ज्यादा मायने रखती थी जो मुझे मिले। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी तारीफ दी थी। बता दें कि आर के नारायण एक मशहूर लेखक थे। वो अर्ली इंडिया लिटरेचर में एक लीडिंग ऑथर थे। उन्हें साउथ इंडियन टाउन ऑफ द मालगुड़ी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अभिनेता, निदेशक और निर्माता शंकर नाग के बारे में कहा कि वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ शंकर नाग के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया। दरअसल हम सभी एक करीबी परिवार थे। वो हमारे सेट पर काफी देखभाल करते थे। मैं मालगुड़ी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स में उनके लिए काम करता था। शंकर नाग एक प्रसिद्ध अभिनेता और अनंत नाग के भाई थे। एक कार दुर्घटना में 30 सितंबर 1990 को शंकर नाग की मृत्यु हो गई थी। मंजू ने कुल मिलाकर लगभग 68 हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। किसी के लिए भी इतनी उम्र में इतनी फिल्मों में अभिनय करना बड़ी बात है। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो शादीशुदा हैं। उन्होंने एथलीट स्वर्ण रेखा से शादी किया है। स्वर्ण रेखा एक स्प्रिंटर और लॉन्ग जंपर हैं। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि फिल्मों में न होने की वजह से उनकी फैमिली की चर्चा उतनी नहीं होती। उनके माता पिता का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन माता पिता की कुछ तस्वीरें उपलब्ध हैं। फिल्मों और टीवी धारावाहिक में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा राज्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मंजुनाथ नायकार ने अपने बाल्यकाल में लोगों को बहुत एंटरटेन किया और छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 19 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया था, इसलिए अब वो फिल्मों में अभिनय करते नजर नहीं आते। फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। आपको बता दें कि वो एक पीआर प्रोफेशनल हैं और बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। अब वो अपनी खुद की पीआर कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं और बेंगलुरु में ही वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। आगे भी लोग उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें याद करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी फिल्म में वो दोबारा दिखाई दे। आज वो 45 साल के हो गए हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।